हेलो चैंपियंस। तो जैसा कि दो वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है, गणतंत्र दिवस के इतिहास पे और करंट अफेयर्स पे वीडियो आ चुकी है, आपने नहीं देखा जाके देख लीजिए। यहाँ पे आज चारों विषय का जो है कॉम्बिनेशन है, जिसमें से आप देख सकते हैं गणतंत्र दिवस का जो इतिहास यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। फिर से एडिशनल क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, विज्ञान के क्वेश्चंस होंगे और प्रौद्योगिकी के क्वेश्चंस होंगे, जिसको टेक्नोलॉजी एंड साइंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आज डिस्कस होने वाली हैं। कॉम्बिनेशन है यहाँ पे 100 क्वेश्चन की यहाँ पे सीरीज़ है, तो बिना किसी देरी को यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ हम आपको बता दें स्टार्ट करने से पहले, कि जो लिंक एक्टिवेट होने वाली है कंपटीशन की, आपकी क्विज़ की, वो अभी नहीं स्टार्ट होगी, 21 को स्टार्ट होगी, और जब स्टार्ट होगी तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कल्पना चावला किस अंतरिक्ष शटल से अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले साइंस की और टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो कोलंबिया नाम था उसका, ठीक है, कोलंबिया नाम था। बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पे करेंगे, कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, टेलीफोनों या एसटीडी कॉलों की सुविधा किस उपग्रह की सहायता से उपलब्ध कराई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनसैट 2B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मध्य एशिया, दक्षिणी एशिया व पश्चिम एशिया में दूरदर्शन का सीधा प्रसारण किस से संभव हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा इनसैट 2C से। क्वेश्चन नंबर 4, साइट कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो साइट कार्यक्रम आपका जन शिक्षा से यहाँ पे संबंधित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भारत का सर्वप्रथम स्वदेशी भूसैनिक उपग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, एप्पल। ठीक है, फिर इनसैट कार्यक्रम किसका उद्यम है, इनसैट कार्यक्रम किसका उद्यम है। ठीक है, यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष विभाग का उद्यम है। ठीक है, इनसैट प्रणाली की निगरानी का दायित्व तो किस पर है, ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष विभाग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ पे इनसैट की प्रथम श्रृंखला में किस उपग्रहों ने ठोस काम किया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनसैट 1B ID। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इससे कहीं बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपका बहुत कुछ तैयार हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, दक्षिण एशियाई संचार उपग्रह GSAT-9 का सफल प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, GSLV-F9। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यहाँ पे सर्वर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV के यान कितने द्रव्यमान के उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 से 150 किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, भारत संवेदी उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाले कौन से नंबर का देश है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन लगा आप देख सकते हैं, 5वें नंबर का यहाँ पे ये देश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पहला स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 13, विश्व के प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पुतनिक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ये। फिर श्री हरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित पहला रॉकेट कौन सा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहिणी 125। क्वेश्चन नंबर 15, इसरो ने 2019 में शुरू किया अपना पहला सोलर मिशन का नाम क्या रखा। तो इसरो ने जो शुरू किया था उसका नाम क्या था, आदित्य L1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब बना। तो इसका हो जाएगा सन 1948 में बना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 पे चलते हैं, विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों में भारत की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे पहला स्थान हो चुका है भारत का। ठीक है, फिर यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी के किस क्षेत्र को सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका अंटार्कटिका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, इंपॉर्टेंट में इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हो जाते हैं, 1954 में हुई थी। ठीक है, 1954 में हुई थी। आगे चलते हैं, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ। तो तारापुर से ये चालू हुआ था। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग का अनुसंधान और विकास कार्य कहाँ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, मतलब बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तांबे, ठीक है, कलपक्कम, इंदौर, तीनों जगह होता है, तो इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन आपके क्वेश्चन में कोई एक ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है चीज़, तांबे में 1960 से 140 MW का अनुसंधान परमाणु रिएक्टर चालू किया गया था, इस रिएक्टर का क्या नाम था। ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे साइरस नाम हो जाता आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइरस नाम आपका हो जाएगा। फिर
23 क्वेश्चन, अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी केंद्र का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तरी गंगोत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय केंद्र परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, इंटरनेशनल फिजिशियन फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर संस्था के संस्थापक कौन हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है डॉक्टर मेवो चाजोव डॉक्टर बर्नाडे लुआन। ठीक है, अजीब सा नाम है। फिर यहाँ पे साइंटिस्ट हैं ये। ठीक है, 27 क्वेश्चन, अंटार्कटिका में भारत का तीसरा कौन सा शोध संस्थान स्थापित किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए भारती। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। यहाँ पे वर्तमान में अंटार्कटिका में कितने देशों के शोध केंद्र स्थापित हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 30। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है स्टूडेंट्स ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 28 क्वेश्चन नंबर 29, कनाडा के सहयोग से कौन सा परमाणु बिजली घर बना? ठीक है, तो कनाडा के सहयोग से यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 19 का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर रावत भाटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय नवीनीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो स्थापना हुई थी वो ऑप्शन हो जाएगा 1987 में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सेक्शन चेंज होता है और सेक्शन आ गया जनरल साइंस का, जिसको सामान्य विज्ञान कहा जाता है। इससे पहले हमने जो है प्रौद्योगिकी का सेक्शन कवर किया। ठीक है, चलिए इसको भी यहाँ पे तेजस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एक परजीवी संबंध का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये वाला हो जाएगा इसमें कुत्ते पर टिक्स। ठीक है, तीसरा, मानव कान का कौन सा भाग अपने आसपास के से ध्वनि एकत्र करता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंख। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलस और बोमल कैप्सूल शरीर के किस अंग का हिस्सा है? ठीक है, तो शरीर के किस अंग का हिस्सा है? गुर्दा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पे प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, काला जर का कारण कौन सा जीव है? तो काला जर का कारण जो है जीव का अगर नाम ले तो लीशमैनिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, उत्कृष्ट गैसें आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान पर बराबर होते हैं? आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, फारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान पर बराबर होते हैं? वैसे यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं, -40। ठीक है, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी अलग अलग परमाणु संख्या होती है, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे कहते हैं आइसोबार्स। ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स आपने प्रोसेस पढ़े होंगे। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? तो जो शुष्क बर्फ होती हैं उसका रासायनिक नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। यहाँ पे किस धातु को पहले वोल्फ्राम कहा जाता था? तो ऐसा कौन सा है? यहाँ पे आपके ऑप्शंस हो जाएंगे जस्ता, टंगस्टन। ठीक है, फोर्थ टंगस्टन कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए खाद्य पैकेजिंग उद्योग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो चिप्स के पैकेट्स आती है उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें नाइट्रोजन आपका ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे चूना पत्थर का ताप। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अवरूप नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका मीथेन। ठीक है, ये कार्बन का अवरूप नहीं है, और सब यहाँ पे सी बकमिंस्टर फ्लोरीन सीसा हीरा सारे हैं। ठीक है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे गैल्वनीकरण। ठीक है, गैल्वनाइजेशन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, उसी को कहा जाता है। बेस सोर्स के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको मिलान कराना होता है इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर ये जो है करेक्ट मैच है यहाँ पे। ठीक है,
कॉपर सल्फेट का क्या रंग है? तो कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? तो यहाँ पे इसका रंग क्या होता है स्टूडेंट्स? नीला होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ऐसे रोगी को डायलिसिस की सलाह दी जाती है जिसके मानव अंग क्षतिग्रस्त हो गए हों या ठीक से काम नहीं कर रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, गुर्दा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कवक का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा गोनियोलैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा सेक्शन आ जाता है हमारा गणतंत्र दिवस महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यूज। तो गणतंत्र दिवस के कुछ क्वेश्चंस जो है हमने कल करवाए थे वीडियोस में, तो आज यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो उसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, क्विज है, इसमें सारे स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर आपको चार स्टूडेंट्स को ही यहाँ पे इनाम मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किस चीज़ का प्रतीक होता है, ठीक है, किस चीज़ का यहाँ पे प्रतीक होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाए मिट्टी और समृद्धि से संबंध, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है अशोक ट्री। क्वेश्चन नंबर 3, आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा काला हिरण, ये आंध्र प्रदेश का है। चौथा क्वेश्चन है एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है स्टूडेंट्स? तो वो कहा जाता है डफ, ठीक है। मध्य प्रदेश का प्रतीक कितनी कमल की पंखुड़ियों से घिरा हुआ है? तो 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय हाथी का राज्य पशु नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे असम हो जाएगा आपका आंसर। सातवां क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो आई थिंक यहाँ पे सारे लोग जानते होंगे क्या चीज़ है, कमल, ठीक है। राष्ट्रगान के संगीतकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना NDA के मार्चिंग गीत कदम कदम बढ़े जा के संगीतकार होने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइटिंग के भी क्वेश्चंस आएंगे, किसने क्या चीज़ डिस्कवर किया, किसने कौन सा कैंपेन लागू किया, क्या चलाया, क्या लिखा, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, साइंटिस्ट पे भी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। त्याग हो जाएगा राम सिंह ठाकुरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, ये क्वेश्चन हमने कल पूछा था, शायद आपको याद हो, अगर आप ये चीज़ कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है, कितना याद है हमने देखते हैं आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन में आप कमेंट करके नीचे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक का पहिया क्या चीज़ दर्शाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ दर्शाता है ये भी आप जो है कमेंट करके हमको बताएंगे इसका क्या होगा। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल हमने डिस्कस किया था, दोनों ऑप्शन हमें याद आ गए, आप इसको बताएंगे, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड कहाँ से शुरू होती है, ठीक है, ये भी कल का ही क्वेश्चन है, लेकिन कितना कमेंट करेंगे आप, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति भवन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, गणतंत्र दिवस परेड कहाँ पर खत्म होती है, ठीक है, तो कहाँ पर खत्म होती है, इंडिया गेट पर खत्म होती है गणतंत्र दिवस की जो आपकी परेड होती है, ठीक है। प्रसिद्ध तिकड़ी लाल वाल पाल में पाल कौन था, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आगमन की शताब्दी कब मनाई गई, ठीक है, तो 1993 मई में मनाई गई। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे भारत में गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था, ठीक है, तो पहला सत्याग्रह आंदोलन कब था, 1917 में, और जिसको चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है, कई सारे आंदोलन इन्होंने चलाया था। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है, इसी के साथ एक क्वेश्चन बन जाता है कि तिरंगे को कितने तोपों की सलामी दी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे 21 गन सैल्यूट्स की सलामी दी जाती है, ठीक है। 17 जाता है भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर चीफ होते हैं, तो सशस्त्र बलों के कमांडर चीफ कौन होते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के गणतंत्र बनने पर परमवीर चक्र ने क्या बदला, ठीक है, तो क्या बदला, विक्टोरिया है, एलिजाबेथ क्रॉस है, विक्टोरिया क्रॉस, तो यहाँ पे विक्टोरिया क्रॉस हो जाएगा, इस चीज़ को इसने रिप्लेस किया। क्वेश्चन नंबर 19, परमवीर चक्र पदक को किसने डिजाइन किया था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सावित्री खनोलकर, ठीक है। फिर यहाँ पे सहयोग से किस व्यक्ति को प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, ठीक है, तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं यहाँ पे, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, केसरी समाचार पत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1881 4 जनवरी को हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा दो समाचार पत्र शुरू किए गए थे, एक थे मराठा और दूसरे का नाम क्या था, केसरी नाम था दूसरे न्यूज़पेपर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, क्या चीज़ है, परमवीर चक्र, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड में इसका नाम आता है, ठीक है, उसके बाद आपको वीर चक्र और महावीर चक्र मिलते हैं, ठीक है। बंगाल में किस वर्ष विभाजन विरोधी आंदोलन हुआ था, तो 1905 में हुआ था, ठीक है। 25 क्वेश्चन यहाँ पे, राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियाँ होती हैं, 24 तीलियाँ होती हैं, ठीक है।
यहाँ पे 3 सेक्शंस हमारे फिनिश हो गए स्टूडेंट्स। यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम थोड़ा सा ही लगेगा सिर्फ जो है, और करंट अफेयर्स यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इस जनवरी मंथ की, क्योंकि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको 25-26 जनवरी को, वो जो क्विज़ होगी उसमें इसी महीने के पूछे जाएंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो निम्न में से किस बैंक ने मीका सेपू सुपे के साथ बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए समझौता किया है, ठीक है। तो किस बैंक ने इसको किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, एक्सिस बैंक ने किया है, ठीक है। हाल ही में सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस किस दिन मनाया गया, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 14 जनवरी को मनाया गया, ठीक है। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय नौसेना के किस विध्वंसक जहाज से सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है आपका INS विशाखा पत्नम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया, तो ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने केप टाउन के न्यूजीलैंड में भारत को कितने विकेट से पराजित करके तीसरा टेस्ट और सीरीज 2-1 से जीत लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 विकेट से। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कुंबलांगी गांव भारत का पहला सेनेटरी नेपकिन मुक्त गांव बन गया है, यह गांव किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी केरल, केरल केरल की जो लिटरेसी रेट है वो भी काफ़ी हाई है, ठीक है। हाल ही में भारत का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम $374.96 मिलियन के किस देश ने खरीदने की स्वीकृति दे दी है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है फिलीपींस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया गेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भूपेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएन ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 6.5%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, ISFR रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में भारत का वन और वृक्ष आवरण कितने वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है, तो यहाँ पे 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में कितने रुपए आवंटित किए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 320 करोड़, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 12, इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एस सोमनाथ को जो है नियुक्त किया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है पाकिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो हो जाएगा आपका 8.3%। क्वेश्चन 15, हाल ही में किस राज्य ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 16 पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया है, ठीक है। तो 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि यूपी में 60 से घटा के जो है यहाँ पे तो 50 कर दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश में बढ़ाया गया, यूपी हो नहीं सकता, ठीक है। हाल ही में जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो 17 का आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया गया, ठीक है। तो 18 A 19 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में विश्व दिवस वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन मनाया गया, तो हाल ही में मतलब बी 10 जनवरी, हाल ही मतलब अभी जल्दी ही यहाँ पे बात हो रही है, जनवरी के ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। भारत और चीन के बीच वर्ष 2021 में कितने अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, ठीक है। तो 125.6 डॉलर का। निम्न में से किस राज्य में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल शुरू हुआ, जो नींबू फल को बढ़ावा देने और नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा जिला है, कौन सा ऐसा स्टेट है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी मणिपुर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, अडानी समूह ने स्टील मिल विकसित करने के लिए किस देश की पोस्को के साथ समझौता
किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दक्षिण कोरिया। 23 क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा 83, ठीक है, 83वां। फिर 24 है, निम्न में से किस बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 का भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? तो ऐसा कौन सा बैंक है? तो बैंक आपका हो जाता है HDFC बैंक। ठीक है, बैंक के फुल फॉर्म भी आ सकते हैं स्टूडेंट्स, और कब विकसित हुआ, कहाँ पे उसका लोकेशन है ये भी आ सकता है, ताबीज चीज़ तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में SMEs को तत्काल डिजिटल क्रेडिट प्रदान करने के लिए इंडिफी टेक्नोलॉजीज ने किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा गूगल पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के 100 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए, 4 सेक्शन के स्टूडेंट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सब जनवरी से रिलेटेड थे, रिपब्लिक डे के कुछ क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किया था, करंट अफेयर्स के 25 से 30 क्वेश्चंस सुबह हमने डिस्कस किए थे, और अभी यहाँ पे 100 क्वेश्चंस डिस्कस किया हमने। तो इतनी अगर आप क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हो, पूरी वीडियो अगर आप देख लेते हो, तो आपको सारी तैयारियां समझ लीजिए आपकी हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवरअप किया गया है, और टॉपिक क्या क्या करना हमने बता दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।